नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आम जनता से, आम लोगों से बात करते हैं बाबा राम रहीम जी के लिए, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के लिए, डेरा सच्चा सौदा के बारे में। डेरा सच्चा सौदा के अंदर ही हम पहुंचे हैं, यहाँ पर जो फ्री मेगा आई कैंप लगाया जा रहा है उसमें हमारे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं। उनसे बात करते हैं किस तरह की जो सुविधा है जो गरीब लोगों के लिए डेरा सच्चा सौदा दे रहा है, जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा ने जो ये मान्यता का काम किया है, वो जो कर रहे हैं क्या है वो, ये जानते हैं लोगों से बात कर। सर, जो यहाँ पर फ्री आई कैंप लगाया जा रहा है, किस तरह का प्रोसेस है, मतलब कौन लोग यहाँ पर इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, क्या है सर? जो जिनकी आँखें ख़राब हैं या जो गरीब लोग हैं जिन्होंने नाम लिया हुआ है या बिना नाम वाले भी यहाँ आ रहे हैं, जो कि ऑपरेशन कर रहे हैं, डॉक्टर यहाँ फ्री कैंप लगा हुआ है और फ्री ही ऑपरेशन है, जितने भी ऑपरेशन होंगे वो फ्री होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है उनका। क्या क्या फैसिलिटी उनको दी जाती है, कहाँ तक उनकी हेल्प की जाती है? मेडिसिन है वो फ्री है, चश्मा है जैसे वो फ्री है, ऑपरेशन जितने भी होंगे, पुतली डलती है या जो लेंस वगैरह डलते हैं वो भी सब फ्री है, कोई पैसा नहीं है इसका, कोई खर्चा नहीं है यहाँ। इस बार के कैंप की बात करेंगे, 28th कैंप है जो हमने देखा है, तो इस कैंप में कितने गरीब लोगों ने फ़ायदा उठाया है इसका अब तक? मैक्सिमम जो चेकिंग, जो चेक करवाने के लिए आए वो कम से कम 3 से 4 हज़ार के लगभग लोग होंगे, और ऑपरेशन जो हो रहे हैं वो मैक्सिमम 150-200 लोगों के ऑपरेशन भी हो रहे हैं, वो फ्री हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ऐसे कार्यों के लिए जो डेरा सच्चा सौदा के द्वारा किए जा रहे हैं, गुरुजी के द्वारा जो किए जा रहे हैं, क्या कहोगे आप? जितने भी गुरुजी ने जो कार्य किए, जैसे महासफाई अभियान है, आज तक सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो कि समाज का कचरा साफ हो सके। दूसरा, जैसे 133 या 34 मानवता भलाई के कार्य किए, वो आज तक किसी संत ने, हमने नहीं देखा कि किसी संत ने ऐसा कोई कार्य किया हो जो समाज सुधारक, समाज सुधर सके। जैसे अब नशा आज जो चल रहा है, जैसे चिट्टा बोलते हैं उसको, तो आज समाज में गुरुजी की बहुत ज़रूरत है, नशा बढ़ता जा रहा है, तो इसको रोकने के लिए और कोई ज़रिया नहीं है जब तक गुरुजी नहीं आएंगे। पहले जैसे 6 करोड़ लोग थे, उन्होंने नशा छोड़ा, बीड़ी सिगरेट शराब बीमारियों से बच गए, कलह क्लेश से बच गए, तो आज जो ये चिट्टा चल रहा है, अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो समाज ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म होने के कगार पे है ये समाज, अगर गुरुजी जल्दी नहीं आए तो। गुरुजी की मांग आप कर रहे हो, एक सवाल मैं और भी ऐड करना चाहूँगी। आज हम डेरा सच्चा सौदा के अंदर हैं और इसी संस्था के बारे में काफ़ी कुछ दिखाया गया, लोगों के दिमाग में वही है जो मीडिया ने दिखाया, जा काफ़ी कुछ परोसा गया, गुरुजी के बारे में भी काफ़ी कुछ दिखाया, आप क्या बताओगे, क्या सच्चाई है? ये सरासर झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें आज 1992 से जुड़े हैं, आज तक बहन बेटियां जो भी है उनकी यहाँ इतनी संभाल होती है कि कहने सुनने से परे, ऐसा कोई संस्था नहीं है ऐसी समाज में, हमने ऐसी कोई संस्था नहीं देखी जहाँ की इतना अनुशासन और बहन बेटियों के लिए इतना कुछ किया जाता हो। जैसे यहाँ पढ़ते हैं बच्चे, बहनें भी पढ़ती हैं, बेटियाँ भी पढ़ती हैं, तो उनके लिए इतनी फैसिलिटी है जो समाज में कहीं नहीं है जी। आज समाज को कितनी ज़रूरत है उनकी? आज समाज को बहुत ज़रूरत है, अगर वो जल्द ही नहीं आए तो समाज का बहुत बुरा हाल होगा और ख़त्म होने के कगार पे। अगर ये नशा चलता रहा या जो वेश्यावृत्ति है या जो भी है, ये समाज के लिए नुकसानदायक है, अगर गुरुजी जल्दी नहीं आए तो इस पे रोक लगाना बहुत मुश्किल है। सरकार से क्या अपील करोगे गुरुजी? मैं सरकार को यही कहना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा सरकार से जल्द, जितनी जल्दी हो सके अपने समाज की तरफ ध्यान दें और अपने बाकी कार्य जो समाज बाकी जो कर रही है सरकार, जैसे मान लो कहीं पुतला बना दिया या कोई ऐसा कार्य कर रही है जिस पे वेस्टेज खर्च हो रहा है, इससे अच्छा यही है कि गुरुजी को अगर यहाँ वापस भेज दें तो समाज बिना खर्चे के सुधर सकता है। और एक लास्ट में, और जैसे आपने समाज की ज़रूरत के बारे में उनका बताया, समाज के लिए, गरीब लोगों के लिए बात करें या देश के लिए, क्या और पार्टिसिपेट गुरुजी ने किया है?
जैसे सफाई अभियान किए, बच्चियों के लिए यहाँ कॉलेज स्कूल बनाए, फ़ायदे के लिए बनाए, जितनी मार्केट बनी हुई है या जो भी दरबार की जो भी कार्य चल रहे हैं वो समाज सुधारक ही है। सत्संग लगा लो या दुकानें लगा लो, स्कूल लगा लो, कॉलेज लगा लो, हर जगह समाज सुधारक का ही काम हो रहा है जी। इसी से समाज सुधरेगा और आगे आने वाली पीढ़ियों को इससे फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, वो नशा छोड़ देंगे, नशे की तरफ नहीं जाएंगे, अच्छी संगति में रहेंगे, तो समाज के लिए बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं वो लगातार आपके सामने आकर बता रहे हैं रियल फैक्ट डेरा सच्चा सौदा का, सेंटर टोकर मित्र रामदीप सिंह जी का, और जो मेगा फ्री आई कैंप लगाया जा रहा है डेरा सच्चा सौदा में, उसके अंदर जो गरीब लोगों की मदद की जा रही है उसके बारे में भी आपके सामने बात रख रहे हैं। और ये लोग मांग कर रहे हैं सरकार से और आम जनता से भी अपील कर रहे हैं कि इस समाज को सुधारने के लिए, समाज सुधार के कारों को आगे बढ़ाने के लिए, देश को नशा मुक्त बनाने के लिए, एक स्वस्थ देश स्वस्थ समाज बनाने के लिए बहुत ज़रूरत है समाज को सेंट डॉक्टर गुरमित राम रहीम सिंह जिनसा की समाज में वापस आने की। आप भी खुले दिमाग से ज़रूर सोचिए क्या है रियल फैक्ट, और अपनी राय भी जरूर डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।